वेलकम टू नई सुभाष एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह नरेटेड बाय हाजरा सलीम। सड़क के किनारे हाथ में एक पुरानी छतरी पकड़े वो बेबसी और नाउम्मीदी से घिरा हुआ खुद को कोस रहा था। सालों बाद यहाँ ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन ये गरजते हुए बादल, मोतियों सा बरसता पानी, मीठी खुशबू और खुशगवार मौसम हमाद के जहन को नहीं बता सका। बैंक मैनेजर की कही हुई बातें अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी बड़ी रकम? एक कर्ज को उतारने के लिए अगर दूसरा कर्ज लिया तो मैं कभी भी इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकूंगा। मेरी गलतियों का खमियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हमाद वहाँ आधे घंटे से खड़ा था, मगर ना तो उसे कोई हल मिला और ना कोई सवारी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश ये बारिश अपने साथ मेरी सारी उलझने भी बहा कर ले जा सकती। हमाद ना उम्मीदी की तस्वीर बना उस वीरान सड़क पर दाएं बाएं देख रहा था। अचानक उसे उम्मीद की एक किरण हेडलाइट्स की सूरत में नजर आई। एक खस्ता हाल घिसी पिटी टैक्सी कछुए की तरह सामने से रेंगती हुई आ रही थी। हमाद के इशारा करने पर टैक्सी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त हमाद के पास इस काली पीली खटारा में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ ना होने से तो होना बेहतर है, ये सोचकर एक सेकंड भी जाया किए बिना हमाद ने आगे की सीट का दरवाजा खोला और फौरन अंदर बैठ गया। बारिश की बूंदों में छुपे हुए अपने आंसुओं को पोंछ कर उसने ड्राइवर को सलाम किया। खाकी शलवार कमीज में मलबूस ये शख्स हमाद को तकरीबन 60 या 65 साल का मालूम हो रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां और दाढ़ी की चांदी भी इसी बात की गवाही दे रही थी। सलाम का जवाब निहायत गर्म जोशी से देते हुए ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और पूछा, बेटा ऐसी मूसलाधार बारिश में कहाँ निकले हो? ऑफिस जाना है चाचा। छुट्टी कर लेते बेटा, मौसम बिगड़ने के इम्कानात हैं। मैंने अभी रेडियो पर सुना अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ मुसलसल बारिश होने की पेशिंगोई है। आंधी आए या तूफान, ऑफिस वालों को तो किसी चीज की परवाह नहीं, बस काम से मतलब है। हम भी क्या करें चाचा, रोजी रोटी का सवाल है ना, ना चाहते हुए भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। हमाद ने एक ठंडी आह लेते हुए कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे बेटा, मैं पिछले 40 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, मेरी इन बूढ़ी आंखों ने जिंदगी की धूप छांव को बहुत करीब से देखा है। हर मुसाफिर की मंजिल मुख्तलिफ, नजरिया मुनफरिद, लेकिन परेशानियाँ एक सी होती हैं। तुम्हारी कहानी क्या है बरखुरदार? एक आम सा आदमी हूँ चाचा, मेरी कहानी में कुछ भी खास नहीं, हमाद ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह लेकर भी आजमाता है और देकर भी। जब अपने हाथों से सब कुछ फिसल जाए तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाना चाहिए। उसने अगर तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है तो उस पर कामिल यकीन कर लो, वो या तो तुम्हें थाम लेगा या तो तुम्हें उड़ना सिखा देगा। वो तो मुसब्बुल अस्बाब है, रास्ते बना ही देता है। उसने मूसा अलैहिस सलाम के लिए भी रास्ता बनाया था, वो तुम्हारे लिए भी रास्ता बना देगा। हमाद को ये सारी बातें सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। वो तो चुप था, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था कि ड्राइवर ने उसकी खामोशी सुन ली हो। इस दिलासे से हमाद को बहुत तस्कीन पहुंची। वो कुछ कहने के लिए अल्फाज इकट्ठा कर रहा था, लेकिन गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुक गई। एक छोटी सी बच्ची नंगे पैर हाथ में एक टोकरी पकड़े शीशे के पास आकर खड़ी हो गई। इस तेज बारिश में भी हमाद को उसकी हसरत भरी मासूम आंखें साफ नजर आ रही थीं। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, शीशा नीचे उतारा और बच्ची को दे दिए। बच्ची ने मुस्कुराकर पैसे लिए और दौड़कर सड़क के दूसरे किनारे चली गई। ये मंजर देखकर ड्राइवर ने हमाद से पूछा, तुमने उस बच्ची की मदद क्यों की? तुम्हें तो खुद भी इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है ना? क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह हमें भूखा उठाता तो है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। और पैसे की कमी क्या होती है कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं कौन सी नेकी किसकी दुआ कब काम आ जाए। अगले स्टॉप पर हमाद का ऑफिस आ गया। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। हॉर्न के बेहंगम शोर और बारिश से बचती भागती बेसब्री भीड़ ने
उसका इस्तकबाल किया। इसीलिए हम्माद को जल्दबाजी में उतरना पड़ा और वो तसल्ली से चचा का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका। हम्माद अभी अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और असिस्टेंट अंदर आ गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर हम्माद, मैंने आपको रिपोर्ट ईमेल कर दी थी, आप बस इस चेक पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, मैंने वो रिपोर्ट देख ली थी, लाओ मैं चेक साइन कर देता हूँ, इसे आज ही याद से जमा करवा देना। हम्माद ने चेक साइन करके असिस्टेंट को वापस दिया। चेक लेने के लिए जब असिस्टेंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हम्माद को अचानक एक बात का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने टैक्सी से उतरते वक्त ड्राइवर को पैसे नहीं दिए थे। वो फौरन अपनी सीट से खड़ा हुआ और असिस्टेंट को कहा कि वो नीचे जाकर ड्राइवर को रोके। हम्माद को यकीन था कि वो अब भी वहीं खड़ा होगा। इतनी तेज बारिश में दूसरी सवारी इतनी जल्दी तो नहीं मिली होगी। टैक्सी और ड्राइवर का हुलिया सुनने के बाद असिस्टेंट फौरन उसे ढूंढने के लिए नीचे उतरा। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, मैं पता नहीं किन ख्यालों में गुम था कि ड्राइवर को पे करना ही भूल गया। चचा भी अजीब है, मेरे तो जहन से निकल गया, उन्होंने खुद भी पैसे नहीं मांगे। इतने में असिस्टेंट वापस ऊपर आया और हम्माद को बताया कि उसने चौकीदार के साथ अच्छी तरह आसपास चेक किया है लेकिन नीचे कोई टैक्सी नहीं मिली। ये सुनकर हम्माद बहुत शर्मिंदा हुआ। अब कहाँ ढूंढूंगा मैं उन्हें। सर, हो सकता है कि वो वापस उसी स्टॉप पर चले गए हों। आपने सवारी कहाँ से ली थी और कितना किराया तय हुआ था? असिस्टेंट का ये सवाल सुनकर हम्माद को याद आया कि उसने तो पैसों की बात की ही नहीं थी और ना ही अपने ऑफिस का रास्ता बताया था। उनको कैसे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है? इससे पहले कि हम्माद इस पहेली को सुलझाता, उसके मोबाइल पर बैंक मैनेजर का फोन आया। हेलो मिस्टर हम्माद जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आपने जो चेक जमा करवाया है वो क्लियर हो गया है और आपके लोन की रिमेनिंग पेमेंट कंप्लीट हो गई है। ये खबर सुनकर हम्माद दंग रह गया। मैनेजर साहब, आप किस चेक की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई चेक डिपॉजिट नहीं करवाया। मिस्टर हम्माद, मैं उस चेक की बात कर रहा हूँ जो कुछ देर पहले आपने भिजवाया था। कौन लेकर आया था वो चेक? हम्माद ने हैरत से पूछा। मुझे नाम तो नहीं पता मगर वो खुद को आपका चचा बता रहे थे। खिलाफ शर्त कुदरत था कि वो अब ख्वाब में भी मिले। मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं फिर नहीं रोया। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।